आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा की अंतरराज्यीय बाइक चोरों की गैंग को सतना की मैयर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के 9 सदस्यों से 25 लाख की कीमती चोरी की गई 38 बाइकें बरामद की है। पकड़ी गई गैंग में एक नाबालिग सहित 9 सदस्य शामिल है, जिनमें 7 सदस्य रीवा के बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह गैंग अंतरराज्यीय गैंग है, जो रीवा और सतना सहित अन्य जिलों में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने पहले पकड़े गए 5 आरोपियों के कब्जे से 26 और 4 अन्य आरोपियों के कब्जे से 12 बाइकें बरामद की है। इस तरह से पुलिस रीवा अमर बहादुर केवट निवासी चौराटा रीवा, अंसार शाह निवासी लखौरी बाग रीवा, राम विलोचन केवट निवासी ताला सतना, मोहम्मद शहजाद उर्फ लल्लन निवासी निपनिया रीवा, करण पटेल निवासी लखौरी बाग रीवा, लवकुश रजक निवासी नागौर सतना सहित एक नाबालिग शामिल है। सतना जिले का मैयर पुलिस थाने में सूचना मिला था मुखबिर द्वारा कि एक व्यक्ति ये चोरी के मोटरसाइकिल बेचना चाहता है किसी को। फिर उस व्यक्ति को बुला कर पूछताछ किया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूला था कि इसने चोरी किया था रीवा के कहीं इलाके से। फिर उसके बाद उसके साथियों का भी नाम वगैरह बताया था। इससे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस अधीक्षक सतना धर्मवीर यादव ने एक टीम बनाया था SDOP मैयर के नेतृत्व में, और इसमें अन्य थाना प्रभारी भी शामिल थे, इनका साइबर टीम भी शामिल था। ये सब लोगों ने मिलकर अलग अलग व्यक्तियों के 9 व्यक्तियों के खिलाफ 9 व्यक्तियों से 38 मोटरसाइकिल काफ़ी संख्या में चोरी गई बरामद किया गया है। इस 38 मोटरसाइकिल में 15 के करीब सतना जिले के हैं और दूसरे रीवा जिले और अन्य जिले के हो सकते हैं। इसमें कुछ मोटरसाइकिल्स का नंबर के द्वारा कंपनी से जानकारी लेके उसका कहाँ का मूल कौन है, कहाँ से चोरी है, पता लगाएंगे। अब इसके बाद ये सभी जितने भी पकड़े गए आरोपी हैं उनका पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड लेके और भी कुछ जानकारी इनसे जानकारी लेंगे कि इसके सह आरोपी और कुछ है या और घटनास्थल में इन्होंने क्या क्या वारदात किया है। क्योंकि मीडिया में जैसे ही प्रकाशित होने के बाद कई लोग इस संबंध में जानकार लेने वाले पुलिस को सूचना देंगे। उस सूचना के आधार पर भी अगले की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा।